डिबुक की 10 ऐसी शॉर्टकट जिन्हें जानने के बाद आप लोग कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया काम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और आज की वीडियो में बात करेंगे डिबुक की 10 शॉर्टकट्स की। तो जल्दी से सीख लेते हैं कि 10 शॉर्टकट क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो कंटेंट हमारे चैनल पर मिलता रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं गाइड मैथ चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले डिस्प्ले और डेबुक पर चलते हैं। तो ये है डेबुक, और डेबुक से रिलेटेड काफी सारे शॉर्टकट्स हैं जो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, और कुछ शॉर्टकट्स हैं जो यहां पर आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो पहली शॉर्टकट जो है रिलेटेड टू टाइप ऑफ वाउचर। जी हाँ दोस्तों, टाइप ऑफ वाउचर। एक बार यहां पर मैं सारी की सारी एंट्रीज ओपन कर लेता हूं और अब दिखाता हूं मैं आपको ये शॉर्टकट। इस शॉर्टकट को सिंपली आप लोग यूज कर सकते हैं कंट्रोल बी के साथ। जैसे ही आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे यहां पर दिखता है टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज, इस पर आप एंटर प्रेस करिए, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यहां पर आपको अकाउंटिंग एंट्रीज दिखता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एस्केप करने के बाद वो एंट्री दिखाई देंगी जो एंट्रीज रिलेटेड हैं अकाउंट से, यानी पेमेंट रिसिप्ट, सेल्स परचेज, ये टाइप की एंट्रीज आपको यहां पर शो होंगी। लेकिन अगर आप यहां पर कंट्रोल बी प्रेस करके अकाउंट एंट्रीज ओनली की जगह इन्वेंट्रीज एंट्री ओनली को कर दें, तो उसके बाद एस्केप करने के बाद आपको सिर्फ वो एंट्री दिखाई देंगी जो रिलेटेड है इन्वेंट्री से। यानी कि इन्वेंट्री से रिलेटेड कौन सी एंट्रीज होती हैं, जिसमें डेबिट नोट, रिजेक्शन, स्टॉक जनरल रिलेटेड सारी एंट्रीज होती हैं, जो कि होती हैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री से रिलेटेड। तो ये सारी एंट्रीज आपको यहां पे शो हो रही हैं। तो ये था पहला शॉर्टकट। बात करते हैं दूसरे शॉर्टकट की, जो है पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। जी हाँ, आप जानना चाहते हैं कि पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन कितनी है आपकी डेबुक के अंदर, तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि डेबुक के अंदर कितनी सारी ट्रांजेक्शन आप लोगों की पोस्ट डेटेड है, तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ एच, और यहां देखिए आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है पोस्ट डेटेड बैंक ट्रांजेक्शन। जैसे ही आप इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप लोग को जितनी भी ट्रांजेक्शन इस कंपनी के अंदर पोस्ट डेटेड वाली होगी वो आपको शो कर देगा। तो ये था एक शॉर्टकट। बात करते हैं अगले शॉर्टकट की, जो है रिलेटेड टू चेंज व्यू। अगर आप कंट्रोल जे प्रेस करते हैं और यहां पर आप ऑप्शनल वाउचर पर क्लिक करते हैं, तो आप लोगों को कंपनी के जितने भी ऑप्शनल वाउचर हैं वो दिखाई दे जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप कंट्रोल जे प्रेस करते हैं फिर से और यहां पर आप लोग प्रेस करते हैं शो मोर पर, और शो मोर पर क्लिक करने के बाद आप मेमोरेंडम वाउचर पर क्लिक करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मेमोरेंडम वाउचर इस कंपनी के अंदर जितने भी होंगे वो सारे आपको शो कर देगा। उसके साथ साथ आप चाहें तो यहां पर कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद शो मोर करके, शो इनएक्टिव करके आप सारे के सारे रिफर्सिंग जनरल वाउचर भी आप इस कंपनी के सारे देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पर प्रेस करेंगे तो जितने भी रिवर्सिंग जनरल वाउचर आपने इस कंपनी के अंदर एंटर किए होंगे वो सारे के सारे आपको शो कर देगा। बात करते हैं अगले शॉर्टकट की, जो कि है ऑल्ट आई। जी हां दोस्तों, ऑल्ट आई। अगर आप किसी भी लेजर पर, जैसे मान लीजिए किसी भी एंट्री के ऊपर आप ऑल्ट आई प्रेस करते हैं, तो दोस्तों होगा क्या कि इस एंट्री की एक और एंट्री इंसर्ट हो जाएगी। जी हां, अगर मान लीजिए आप लोगों को सेल्स की काफी सारी एंट्री मैं यहां पर ओपन करके दे दूं F4 प्रेस करने के बाद, सपोज करिए मैं सेल्स की सारी के सारी एंट्री को खोल लेता हूं, और सेल्स की एंट्री में मान लीजिए कोई एंट्री मेरी 15 तारीख या 20 तारीख को मिसिंग है, तो मैं चाहता हूं कि यहां पर 15 और 22 के बीच में एक एंट्री मैं इंसर्ट करूं, या मैं चाहता हूं सपोज करिए यहां पर मेरी 1 मार्च के बाद सीधा 10 मार्च की एंट्री है और मैं चाहता हूं कि 1 मार्च के बाद 2 मार्च की एक एंट्री मैं बीच में इंसर्ट कर दूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो एंट्री मैंने 10 मार्च को कर रखी है और 1 मार्च को करी है, उस दोनों के बीच में मुझे एक वाउचर इंसर्ट करना है, तो सिंपली मुझे यहां पर प्रेस करना होगा ऑल्ट आई। जैसे मैं ऑल्ट आई प्रेस करूंगा तो वो उस जगह को रिप्लेस कर देगा, और अब यहां पर आप डेट डाल दीजिए 2 मार्च, और जैसे ही आप 2 मार्च डालेंगे उसके बाद जब आप एंट्री प्रेस करेंगे उस जगह पर प्लेस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये तरीका था इंसर्ट वाउचर का। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है बहुत ही कमाल का, और वो है ऐड वाउचर। जी हां, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई नया वाउचर आप ऐड करें और उसकी जो नंबरिंग है वो आगे आए, लाइक दैट कि अगर आप F4 प्रेस करें और यहां पर आप पेमेंट एंट्रीज करने वाले हैं, पेमेंट एंट्रीज में आप देख रहे हैं बहुत सारी एंट्रीज आपने पास की हुई हैं और आप चाहते हैं कि आप कोई एक नई एंट्री ऐड करें जो कि 44 नंबर वाउचर के बाद हो नेक्स्ट एंट्री, तो यहां पर ऑल्ट प्रेस करते ही आप देखिए 44 नंबर एंट्री आपकी एंटर हो चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी पर भी ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये देखिए उसकी नेक्स्ट एंट्री आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप 44वीं एंट्री पर जाकर
ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट एंट्री आपको शो कर देगा कि अब आप 45 नंबर की एंट्री पास करने वाले हैं। तो ये है एड वाउचर का एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। अगला शॉर्टकट बड़ा कमाल का है, वो है डेबुक से रिलेटेड, जिसे बोलते हैं ऑल्ट एक्स यानी कैंसल वाउचर। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपको ऐसी ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएगी, जैसे कि सेल्स की कुछ बिल्स हैं आप लोगों ने इशू कर दिए और आप लोगों को पता है कि एंट्री गलत है या इसमें कोई मिस्टेक है और ये बिल पार्टी ने पे करने से मना कर दिया है, तो आप इस वाउचर को डिलीट नहीं करेंगे, आप इस वाउचर को कैंसिल करेंगे। और उसके लिए आपको सिंपली प्रेस करना है ऑल्ट के साथ एक्स, और जैसे ही आप ऑल्ट के साथ एक्स प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये वाउचर आप लोगों का सिंपली कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों ये वाउचर ओपन तो रहेगा लेकिन एक्चुअली में ये वाउचर आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा, तो ये नंबरिंग आप लोग यूज नहीं कर पाएंगे और आगे की नंबरिंग आपकी नहीं बिगड़ेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं, यानी अगला शॉर्टकट जो कि सातवें नंबर का शॉर्टकट है। इसे अगर हम समझे तो बहुत ही सिंपल है कि अगर मान लीजिए बहुत सारी एंट्रीज आप लोग को एक साथ डिलीट करनी है, सपोज करिए आप चाहते हैं कि जितनी पेमेंट की एंट्रीज हैं उसमें कुछ पेमेंट की एंट्री मैं डिलीट करना चाहता हूं या मेरे से गलत हो गई है, तो यहां पर पेमेंट एंट्री सारी मैंने ओपन कर ली है। अब मान लीजिए मैं एक साथ कई एंट्रीज को डिलीट करना चाहता हूं तो मैं एक साथ सिलेक्ट भी करूंगा। इसके लिए आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो की जब आप प्रेस करेंगे तो एक साथ कई एंट्रीज आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, और अगर आप ऑल्ट डी प्रेस करें तो सारी एंट्रीज एक साथ सिलेक्ट होने के बाद डिलीट हो सकती हैं। अगर आप किसी वजह से कोई भी एंट्री डिलीट करना चाहते हैं तो बस आपको शिफ्ट के साथ अप एरो की प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ अप एरो की प्रेस करना है, मतलब जो भी आप करेंगे शिफ्ट के साथ करना है। जैसे आप ये करेंगे तो आप देखेंगे सारे वाउचर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये था बहुत ही कमाल का शॉर्टकट। बात करते हैं अगले पॉइंट की, और वो बड़ा कमाल का है। दोस्तों अगर आप डेबुक पे बहुत सारी एंट्रीज देख रहे हैं और मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कंपनी से कि कंपनी की कितने की परचेजेस हुई है, यहां पर आप लोगों को परचेज एंट्री खोलने के बाद F4 से आप लोगों को सीधा दिखाई दे रहा है कि कंपनी की जो टोटल परचेज है वो 22 लाख रुपए की है, लेकिन 22 लाख की परचेजेस में आप कुछ परचेजेस को नहीं देखना चाहते दोस्तों, तो आप वहां से उन परचेजेस को गायब भी कर सकते हैं। कैसे? बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इसके लिए आपको करना है कंट्रोल R, जिस एंट्री को आपको उसमें टोटल में नहीं दिखाना है तो आप इसे हाइड कर देंगे, और कंट्रोल R करते ही ये देखिए टोटल से गायब हो रहा है। जैसे जैसे आप कंट्रोल R प्रेस कर रहे हैं वो टोटल से आपका गायब होता चला जा रहा है, तो टोटल आपका रिफ्लेक्ट हो रहा था, अब वो चेंज हो रहा है जैसे ही आप कंट्रोल R प्रेस कर रहे हैं, ये देखिए। और अगर आप उसे वापस लाना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ U प्रेस करना होगा, जो कि हमारी अगली शॉर्टकट है। कंट्रोल के साथ U प्रेस करिए और जितने भी आपने हाइड की थी लाइनें वो सारी की सारी वापस आ जाएंगी एक एक करके। तो ये था एक शॉर्टकट कंट्रोल R और कंट्रोल U। तो 9 शॉर्टकट हो चुकी हैं। अब बात करते हैं लास्ट शॉर्टकट की, जो बड़ी कमाल की है और मुझे काफी पसंद है। दोस्तों कई बार आप लोग क्या करते हैं कि पेमेंट एंट्रीज पास करते हैं, और पेमेंट एंट्री पास करते समय आप लोगों को होती है कुछ समस्या, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पेमेंट एंट्री जब आप यहां पर पास कर रहे होंगे तो मैं आपको दिखा दूं, पेमेंट में कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो आप बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, तो उन एंट्रीज को आप लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको एंट्रीज बार बार करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी सैलरी से रिलेटेड एंट्रीज हैं और वो आपको बार बार करनी पड़ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली उस एंट्री को डुप्लीकेट एंट्री मारना है, तो आपको सिंपली उस एंट्री के ऊपर जाकर ऑल्ट 2 करना है, और जैसे ही आप ऑल्ट के साथ 2 प्रेस करेंगे उसका डुप्लीकेट हो जाएगा। और आप देखिए ऊपर लिखकर भी आ रहा है, यहां पर अकाउंटिंग वाउचर डुप्लीकेशन, और अब आप इसकी डेट चेंज करिए और इस एंट्री को कंट्रोल ए के साथ पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लीजिए, यानी विदाउट एनी चेंज आपको इसमें डेट चेंज करनी है और उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करना है, यानी कुछ भी नहीं करना दोस्तों एक्स्ट्रा काम, बस आपका काम आसान हो जाता है डुप्लीकेट एंट्री पास करने से। ये देखिए जैसे आप कोई भी एंट्री खोलिए ऑल्ट के साथ 2 प्रेस करेंगे इसका डुप्लीकेशन हो जाएगा, और बस आप डेट चेंज करिए और एंट्री को पूरा एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये थी कुछ कमाल की शॉर्टकट्स जो है रिलेटेड टू डेबुक्स की। तो डेबुक्स पे रिलेटेड जितनी शॉर्टकट थी मैंने आप लोगों को बता दी है, 10 शॉर्टकट काफी कमाल की थी और इससे आपका काम काफी तेजी से हो सकता है और काफी आसान भी हो सकता है। आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को कुछ और शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन अलग अलग स्क्रीन से रिलेटेड, जैसे बैलेंस शीट से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, वहां पर भी काफी सारी शॉर्टकट्स है जो आप लोग यूज कर सकते हैं और काफी फायदेमंद रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, और देखते रहिए सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। Thank you so much for watching this video.